पहले मेरा रसाला पढ़ो जो मैंने तुम्हें रगड़ा दिया हुआ सही घर पर। हाय हाय, देखे ना कितनी प्यारी लैंग्वेज यूज की। नहीं पढ़ा है तुमने? चलो आज इसी पे फैसला कर लो। मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें हुलूल का। ओ यार एक सेकंड, यही बात है मिर्ज़े वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। शाह जी की याद ताजा भी होती है। वो भी इसी तरह कहते हो फलाने सूफी की किताब। अब जिस तरह तुम्हारी हदीस की किताबों में सारी हदीस की चीजें काबिले कबूल नहीं है, वहाँ कहते हो जी ये मौजू है, ये फलानी है फलानी है, तो एक सूफी की किताब उठा के हमारे मसलक में डालोगे तुम लोग। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मुइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तरीकत ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। बाबे इनके पता नहीं क्या टोन होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती। ठीक चल, फिर तू हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। हाय हाय हाय, कारी साहब 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज, कमाल बात। ये जिन किताबों का वाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूबे हैं और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। वो जो लोग बैठे हुए इन मौकिफात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं, मेरा बहुत दिल करता है। वो तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते, तुम लोगों के गुस्से की क्या औकात है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहाँ। तू क्या करेगा रे? तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अबे साले, मिर्ज़े वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। आपके जो जलम के महबूब है वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। ये क्या है? अगर आपको बहुत शौक है आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी कात उठे रह, तू मेरे लेवल का आदमी नहीं है। छोड़ यार, कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे, इतनी आपके अंदर जुरत है तो आए प्रोग्राम में, उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सी ली है कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते, चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोलिए? तो थती तो ही निकल आई। ये जिन किताबों का वाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूबे हैं और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। किताबें मेरे आने के बाद बदल गई हैं, पहले इन लोगों ने इसको डिफेंड किया हुआ और आज मैं इस मुफ्ती के ऊपर और इसके फ्रंटमैन उस एंकर के ऊपर एक नया इल्मी आइटम बम गिराने लगा हूं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में। अब तेरा क्या बनेगा मुफ्ती, और तेरा क्या बनेगा डैश डैश। वो 2009 के अंदर जो इसी मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने एक मुनाजरा किया जिसकी बुनियाद के ऊपर इसने सारा ये फेम कमाया और शोहरत कमाई अपने फिरके के अंदर, अब तो खैर रिजेक्ट हो चुका है अपने फिरके में। उस मुनाजरे के अंदर इसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। मुफ्ती झूठ बोलता है कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई, 2009 में तूने वीडियो में दिफा किया है शतियात के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबुव्वत के डाकुओ शिबली को रसूल बनाने वालों ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात यह इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान ना खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और सिर्फ अनीफ कुरैशी ने नहीं दिफा किया, वो जो नूरी वाला मुनाजरा है उसमें भी इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये का दिफा किया और वो एक लाहौर का छोटू मौलवी जो है वो पीछे सुगड़ा सा बैठा हुआ सुभान अल्लाह भी पढ़ रहा है, आज वो कह रहा है किताबें बदल गई, वो भी झूठ बोल रहा है। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। और इससे बड़ा छक्का इनके लिए ये है कि 1921 में
आला हजरत अहमद बरेलवी की डेथ हुई है, उन्होंने फतावा रजविया के अंदर सबा सनाबिल एक किताब की तारीफ की है और कहा कि रसुल्ला की बारगाह में यह मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसुल्ला लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था इसमें चिश्ती रसुल्ला लिखा हुआ है तो आला हजरत गए, और अगर उन्हें नहीं पता था उनकी बुजुर्गी चली गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि कूड़ लिखे थे और नबी इस्लाम पर झूठ बांध दिया बगैर तहकीक के बात करती। अब फैसला करो कि आला हजरत को फारिग करना है या पुराने बुजुर्गों को फारिग करना है। ये झूठ बोल रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं, 100 साल पहले तो किताब नहीं बदली हुई थी। फिर 1937 में पीर मेर अली शाह साहब की डेथ हुई है, उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलल्लाह वाले वाक्य को मारफत की बात कह के कोट किया हुआ है। भाई पीर मेर अली को तो नहीं पता था कि ये बदल गई है किताब, वो तो डिफेंड करता रहा। तू आज मुफ्ती कह रहा है कि मेरा ताल्लुक पीर मेर अली शाह साहब के साथ है, तो तेरा पीर मेर अली शाह साहब तो इसको मारफत की बात कह के गया, आप बता किताब बदली है कि नहीं। और अगर तू कह रहा है किताब बदल गई है, इसका मतलब है कि तूने माना ये कुफरियात है, तो बता फिर पीर मेर अली शाह के ऊपर क्या फतवा है। बड़े बुजुर्गों में तो बाद में फतवा पहुंचेगा, पहले इनसे शुरू करो, अहमद बरेलवी से, पीर मेर अली शाह साहब से। और थानवी रसुल्ला पार्टी भी खुश ना हो, हाँ तुम्हारे आलिमदाद रिसाले में जो थानवी रसुल्ला निकला वो तो निकला ही निकला था, उसका मैंने पोस्टमार्टम किया। उस थानवी ने, चूंकि वो खुद चिश्ती था, उसने भी खुद अलग से किताब लिखी अस-सुन्नतुल जरिया फिर चिश्तिया तिलाड़िया, उसमें उसने चिश्ती रसुल्ला वाले वाक्य का दिफा किया हुआ है। और वो जो उसने बोंगियां मारी, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया कि इन लोगों को कुरान और सुन्नत का बुनियादी इल्म भी नहीं था, पता नहीं किसने इन लोगों को हकीमुल उम्मत बना दिया। और उसकी डेथ हुई है 1945 में, अशरफ अली थानवी साहब फौत हुए हैं और चिश्ती रसूलल्लाह का दिफा करके दुनिया से गए हैं। उस वक्त तक तो कोई किताबें नहीं बदली हुई थी, लिहाजा देवबंदी और बरेलवी दोनों सूफियों के फिरके, दोनों का एक ही बाप रूहानी जिसकी तरफ मंसूब करते हैं, यानी हनफी कहते हैं अपने आप को, ये दोनों अब एक दूसरे के गले लग के रोएं और आके मीडिया के ऊपर दिफा करें। हमने उसी वक्त उधार नहीं किया, मैंने मगरिब से पहले पहले वीडियो बनाई, फरहान भाई को मैंने फोन किया, मैंने कहा जी आए तो हम अपना क़यामुल लैल भी लेट करेंगे, इस वक्त जो है ना ये क़यामुल नहार की बारी आ गई है, तो आप आ जाए इशा के बाद, हम बैठे 2 घंटे लगा के ऑलमोस्ट 12 बजे हमने रात को वीडियो अपलोड कर दी, यानी मैंने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए। वीडियो अपलोड हुई, 13 घंटों में वो वीडियो 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे, जिसमें मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं तैयार हूं। अब हमारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब तक ये ऑनलाइन उसी GTV के ऊपर रमजान नशरियात में मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी धमकी उन्होंने खुद मुझे लगाई हुई है कि आ और बैठ जुरत का जवाब दे, इनका पीछा नहीं छोड़ना, इनके नीचे जाके कमेंट्स करने हैं, इनके ऊपर वीडियोस बनानी है, तब तक कि ये माफी ना मांग ले कि जी हमसे ये ऊपर का काम है, हमारे बुजुर्गों ने काम डाला है। और देखो यार, मां बाप अपने बच्चों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते हैं, फिरकों के मानने वाले बच्चे वो हैं कि जो अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं। वो वीडियो अपलोड हुई, हमने फिर वीडियो भेजी शोएब मदनी भाई को, फिर मैंने उनसे बात की, वीडियो देख ली, उनका हाजी देख लिया, हमने यहां मीटिंग कॉल की हुई है, हमने मालिकों को भी बताया कि जी इस तरह सारा सिस्टम, हम आपको फीडबैक देंगे। फिर मैंने उनको हफ्ते वाले दिन दोबारा कॉल की, मैंने कहा तुम्हारा आ रही है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, मुझे बताएं किस वक्त मुझे ऑनलाइन लेने हैं। वो कहते हैं हमारी इस हवाले से 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमें 1-2 दिन का मजीद टाइम दें, हम इसके ऊपर फाइनल डिसीजन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप करें। और मैंने कहा ये मैंने आपकी इज्जत की वजह से पैमरा को नहीं एप्लीकेशन लिखी और आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भिजवाया, वरना आपके एंकर ने जिस तरीके से आके बदमाशी करके धमकियां दी हैं, इसके ऊपर तो हद के इज्जत का 2 अरब का हर्जाना भी होता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और इसका एंड जो है ना वो माफी के ऊपर ही होता है, आज तक किसी ने हर्जाना भुगता नहीं है, हमेशा माफी मांगते हैं। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि कभी भी नहीं बैठेंगे, और मैंने कहा था कि मुझे खुशी होगी कि मेरी ये पेशगोई गलत साबित हो, अगर ये पेशगोई मेरी दुरुस्त साबित हुई, जितनी मुझे खुशी होगी उससे डबल खुशी होगी कि मेरी पेशगोई गलत साबित हो और ये बैठने के लिए तैयार हो जाए लाइव इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब वो चल तो चुका है। तो मैं अभी तक इन 2-3 दिनों में, जुम्मा हफ्ता इन 2 दिनों के अंदर 5 से ज्यादा दफा फोन पर उनसे बात कर चुका हूं, और मैंने कहा मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा जी संडे का भी दिन आप गुजारे, हम आपको फीडबैक देंगे, अगर दे रही तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगले संडे फिर मैं लंबा पालना छड़ना तो नहीं है। ये आ चुके, मैंने इसको इसलिए जरूरी समझा कि आपको ये पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर होनी चाहिए कि ये 3 वीडियोस GTV की तरफ से आ चुकी हुई है। पहले वो इफ्तार के मौके पे जो लीक हुई कि मिर्जे की रूह आ गई है, फिर दूसरी वो चिश्ती रसूलल्लाह वाले पे, उन्होंने कहा वो जेलम वाले आपके महबूब उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और तीसरा तो डायरेक्ट इसने आके धमकियां लगाई है कि जी मैं चपेड़े मारूं और ये करूं। मैंने तो उसके जवाब में कुछ भी नहीं किया, मुझे पता है कि इनके घर मैयत पड़ी हुई है, उनका नवा तो बनता है, मैं तो यकीन करें इनकी चीखें एंजॉय करता हूं। आपने भी इफ्तार के वक्त में घर के बने हुए चिप्स रखने हैं, हाँ, और साथ आपने सादा पानी रख लेना है या कोई शरबत रख लेना है और इनकी चीखों को एंजॉय करना है। ये वीडियो लगाया करें बार बार, मुझे तो बड़ा मजा आता है कि भाई सही जगह निशाने पर जाके हमारी दावत हक ये पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा वाला लिवाई आदम मिन लिवाई मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह तज़किरतुल औलिया में, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और ये वो इबारत है जिसका तो अभी ताजा ताजा दिफा किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने इसी एंकर के सामने बैठ के, कि मैं इसकी तावील करता हूं कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जिस तरह के अल्लाह ताला ने अपनी शान का मजर बनाया था उस दरख्त को जिसमें से आवाज आई थी इन्नी अनल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावील आते हैं, मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आजम मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बढ़ाए, ठीक है। अब असल में यहां ये बैग में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है।
मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आजमो में लिवाई मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलामे राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। कोशिश कर सकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत को झंझोड़ ही सकते हैं कि अल्लाह के बंदो जाग जाओ, इन लोगों ने आवाजें मक्के और मदीने की लगाई हैं, सवारियां मक्के और मदीने के नाम के ऊपर सवार की हैं लेकिन फेंकी हैं अजमेर में, बगदाद में, देवबंद में, बरेली में, इन लोगों ने अपने नबी के साथ गद्दारी की है। तुम्हारी आखिरत के पीछे भी पड़े हैं, बुजुर्गों की तो आखिरत इन्होंने बर्बाद कर दी, उनको तो हम कब्रों से निकाल के समझा नहीं सकते लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं इनके शर से। बिल्कुल, और देखें आज अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म की बरकत से हक को किस कदर बुलंद किया है कि 2009-10 के अंदर जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारी वीडियोस के नीचे 99% कमेंट्स नेगेटिव होते थे, पै गया जाए साढ़े बाबियों पै गया जाए बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये तमाशा करते हो फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो और जो थोड़े प्योवानू पै गया हूं तुम चुप बैठे हो और निकलो बाहर। ये होता था, आज बुजुर्गों की मीम्स बन रही है। तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी, हाँ इंशाल्लाह, और वो ईमान जो तुमने घर की खलबतों में हासिल किया एक दिन सरेआम नजर दी जाएगी। आज देख ले हर जगह इंजीनियर इंजीनियर हो रही है, और दुनिया का कोई मौलवी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं जो मेरे बगैर बात करे, बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, मेरी साथ तस्वीर लगा के वैसे जगह शुरू करते थे व्यूज लेने के लिए।